नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एनएस स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज मैच का दूसरा दिन है, तो जानते हैं पहले क्या हुआ था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही थी। दो दो रन की स्कोर पर टीम की दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। इसके बाद स्टीव स्मिथ और मानस लाबुस ने 82 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला था, लेकिन जडेजा ने एक ओवर में 2 विकेट लेके ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में ढकेल दिया था, जिसके बाद से उन्होंने स्मिथ को भी आउट कर दिया। पीटर हैंडसकॉम और एलेक्स कैरी ने भी 68 की साझेदारी की, लेकिन अश्विन ने इस जोड़ी को तोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी 177 रन पर ख़त्म कर दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा 49 रन मानस लाबुशन ने बनाए थे। उनके अलावा स्टीव स्मिथ 37, एलेक्स कैरी 36 और पीटर हैंडसकॉम ने 31 की दहाई का आंकड़ा छू सके। भारत के लिए जडेजा ने 5 विकेट लिए। उन्होंने टेस्ट में 11वीं ओवर में 5 विकेट लेने का कारनामा किया। वहीं अश्विन ने 3 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में अपने 450 विकेट भी पूरे किए। समी और सिराज को एक एक विकेट मिला, सिर्फ अक्षर पटेल को कोई विकेट नहीं ले पाया। दूसरे दिन की पारी में 1 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर 100 रन के पार जा चुका है। कप्तान रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन के बीच बेहतरीन साझेदारी हो रही है। दोनों बल्लेबाज सूझबूझ के साथ रन बना रहे थे और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का लय पकड़ने का मौका नहीं दे रहे थे। 33 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 110 रन हुआ। 118 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा। रविचंद्रन अश्विन 62 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो चुके। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया। इसके बाद टॉड मर्फी की गेंद पर विकेटों के सामने पकड़े गए। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक दोनों विकेट टॉड मर्फी ने ही लिए हैं। भारत के लिए कप्तान रोहित के साथ चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर आए थे। पुजारा ने क्रीज पर आते ही रन बनाने शुरू कर दिए। 41 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 124 रन था। बात करें तो फिर 135 रन के स्कोर पे भारत का तीसरा विकेट गिरा। टॉड मर्फी ने चेतेश्वर पुजारा को स्कॉट बॉयन के हाथों कैच कराया। पुजारा ने 14 गेंदों में 7 रन बनाए। आमतौर पर संभल कर बल्लेबाजी करने वाले पुजारा इस मुकाबले में आक्रामक शॉट खेलते हुए आउट हो गए। मर्फी की गेंद लगे स्टंप के बाहर थी और पुजारा ने स्वीप कर 4 रन की बटोरने की कोशिश की। हालांकि वो 30 गज के दायरे में खड़े फील्डर को पार नहीं करा सके और बॉलेंड की कैच थमाकर आउट हो गए। अब कप्तान रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली क्रीज पर हैं। 47 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 142 रन हुआ। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 150 रन के पार जा चुका था। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली क्रीज पर जमे हुए थे और दोनों बल्लेबाज बेहतरीन लय में दिख रहे थे और अच्छे सी रन बना रहे थे। नागपुर में दूसरे दिन पहले सत्र का खेल खत्म हो चुका है। लंच तक भारत का स्कोर था 151-3। कप्तान रोहित शर्मा 85 और विराट कोहली 12 रन बनाकर क्रीज पर आए। दोनों के बीच 16 रन की साझेदारी हुई। सत्र में भारत ने 74 रन बनाए और 2 विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक 3 विकेट टॉड मर्फी ने लिए हैं। उन्होंने आज सुबह रविचंद्र अश्विन को 23 रन के स्कोर पे आउट किया। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा को 7 रन के स्कोर पे पवेलियन भेजा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक छोर पे जमे हुए हैं और अपने शतक के करीब पहुंच गए हैं। वहीं विराट कोहली दूसरे छोर पे बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। रोहित शर्मा ने 2 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया। उन्होंने इस मैच में 171 गेंद में अपना 100 रन पूरे किए। नागपुर की विशाल पिच पे रोहित ने एक छोर पे जमकर बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। दूसरे छोर पे लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन रोहित की एकाग्रता बनी हुई थी। रोहित शर्मा ने शानदार शतक के चलते भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर बढ़त मिल चुकी है। 65 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे 187 रन है। भारतीय टीम के पास 10 रन की बढ़त थी। अब टीम इंडिया की कोशिश बड़ी बढ़त हासिल करने की होगी। रोहित के साथ जडेजा भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे और गेंद के साथ कमाल करने के बाद बल्ले से भी योगदान दे रहे हैं। 5 विकेट के नुकसान पे भारत का स्कोर 200 रन के पार जा चुका। रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा क्रीज पर अब भी मौजूद हैं। रोहित शतक लगा के खेल रहे हैं, जडेजा भी अच्छी लय में दिख रहे हैं। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही है। आपको बता दूं कि भारत की बढ़त भी 20 रन के पार जा चुकी है। धीरे धीरे इस मैच में भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। टीम इंडिया दूसरे दिन बल्लेबाजी करने में सफल रहती है तो भारत के पास अच्छी बढ़त होगी, जो मैच में निर्णायक साबित हो सकती है। रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के बीच 80 की साझेदारी हो चुकी है। इसके साथ ही भारत का स्कोर भी 220 रन के पार जा चुका है। अब मैच में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हो रही है। भारत की बढ़त भी 40 रन से ज़्यादा की हो गई। चाय के टमे में टी ब्रेक का बात करें तो टी ब्रेक के समय तक भारत का स्कोर 5 विकेट पे 226 रन है।
कप्तान रोहित शर्मा ने 118 और रविंद्र जडेजा ने 36 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 58 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत के पास 49 रन की बढ़त है। अब टीम इंडिया तीसरे सत्र में बड़ा स्कोर खड़ा कर अपनी बढ़त 100 रन के पार ले जाने की कोशिश करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच के टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। आज मैच का दूसरा दिन है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहले दिन एक विकेट खोकर 77 रन बनाए। दूसरे सत्र का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पे 226 रन। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।